बीती रात यानी कि 28 मार्च को रात की खबर निकल करके सामने आई कि बांदा जेल में 5 बार के विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। आपको बता दें कि उन्होंने 19 मार्च को आरोप लगाए थे प्रशासन पर कि उनके खाने में स्लो पॉइजन मिलाया जा रहा है, जिसके बाद उनके वकील निकल करके सामने आए थे और उन्होंने न्यायालय में यह मामला रखा था। लेकिन उसके बाद जब उनके भाई मुलाकात करने पहुंचते हैं, अफजाल अंसारी, उनके बेटे उमर अंसारी पहुंचते हैं, तो अफजाल अंसारी से तो मुलाकात होती है लेकिन उनके बेटे उमर अंसारी से मुलाकात नहीं होती है, जिसके बाद उमर अंसारी काफी भावुक नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि हमारे 26 साल की उम्र में 25 साल हमने बिना बाप के गुजारे हैं, और ये तमाम तरीके की बातें निकल करके सामने आई थी। अब अफजाल अंसारी घर पर हैं अपने, उसके बाद बेटे अभी बाहर हैं और यहाँ आ चुके हैं, बेटे अपने बाप को देखने पहुंचे यानी कि मुख्तार अंसारी को देखने पहुंचे। वहीं आज जब उमर अंसारी से पूछा गया कि आपको ये खबर कैसे मालूम चली, तो उन्होंने कहा कि हमें मीडिया के माध्यम से ही मालूम चली है, आधिकारिक रूप से हमें कोई भी सूचना नहीं दी गई है। और अब सवाल उठता है कि आखिर मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनका दफन कहाँ होगा, पोस्टमार्टम कैसे होगा, पोस्टमार्टम कौन करेगा, पोस्टमार्टम कहाँ किया कराया जाएगा, ये सारे सवाल हैं जिस पर उमर अंसारी ने जवाब दिया है और क्या कुछ कहा है आप सुनिए। इंसान है, हम भी इंसान हैं, हमारी जगह आप लोग होते तो आपकी भी क्या स्थिति होती, गई हमारे हाल पर। उमर जी ये बताइए कि पोस्टमार्टम कब तक शुरू हो पाएगा? कल सुबह होगा, वो सूचित करेंगे। अभी तक आपको कोई जानकारी नहीं दी गई? होगा, सूचित करेंगे, आप लोग को भी हो सकता है उनके घर पर। अच्छा, बॉडी के बाद फिर कहाँ ले जाएंगे इसको? ये सब वही लोग जानते हैं कैसे क्या है। मेरे ख्याल से पोस्टमार्टम हो जाने के बाद जो नॉर्मल प्रक्रिया होती है वो हमारे हवाले करेंगे। बॉडी आप लोग कहाँ लेके जाएंगे? जो हमारा गांव है, और परिवार है। अभी परिवार से कुछ और लोग आ रहे हैं? नहीं, बस हम हैं और कोई नहीं है, हम ही लेकर कोई और। क्या स्थिति है सौ को देखने के बाद? देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? भैया क्या लग रहा है इसको बताने से क्या फायदा? माननीय न्यायालय ने बता रहे हैं। जी जी जी, माननीय न्यायालय के समक्ष विधायक जी ने लिख कर दिया 19 तारीख को उनको बनाने में क्या हो गया, बिगड़ी सीव लाए गए, बीमार थे 12 घंटे के अंदर, इतना प्रेशर पड़ा कि डॉक्टर स्वतंत्र रूप से इलाज भी नहीं करता। आईसीयू से आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि आईसीयू से इंसान वार्ड में जाता है, प्राइवेट वार्ड में जाता है, या आईसीयू के बाद जो यूनिट होता है उसमें जाता है। यहाँ आईसीयू के बाद सीधा तन्हाई बैरिक जेल, और तन्हाई बैरिक जेल की और उसका आलम यह है कि आज प्रशासन सौ को सुपुर्द करने को और हार्ट अटैक के बाद जो सब बात आप लोग के सामने। सौ में कुछ संदिग्ध समझ में आया? सौ को देखकर किसी तरह का संदेह? मैंने चेहरा देखा है सिर्फ जी। और जो हम लोगों को पापा ने खुद बताया है उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में, बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जान चुका है, पूरा परिवार है और खुद हमारे फादर इस बात को कि हमें जहर दिया जा रहा है, लेकिन कहाँ सुना, क्या सुना? शव के लिए प्रशासन से क्या बात हुई? पोस्टमार्टम कब तक होगा? हमारी कोई बात नहीं हुई है, घर के बड़े जो है अफजाल बाबा सांसद जी, उनकी बात हुई, पीएम साहब वही बात कर रहे हैं, वही बात। वो आएंगे सांसद जी? नहीं, वो आएंगे नहीं, वो बात कर रहे हैं, अब सुबह से हमको अपडेट करेंगे। उनकी तबीयत नहीं ठीक है, वो इस समय दवा लेकर किसी तरह उनको। पोस्टमार्टम के लिए क्या कह रहा है प्रशासन? कब तक होगा? सुबह होगा, मजिस्ट्रेट की निगरानी। कितने डॉक्टर का पैनल बनाया गया है, क्या कुछ जानकारी दी गई? वो लोग जानेंगे। तो उमर अंसारी अब भी बरकरार हैं आरोप पर कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया है, और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से उनके पिताजी ने यह आरोप लगाया था कि 19 मार्च को उनके खाने में विषैला पदार्थ मिलाया गया था और जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई, उन्होंने जेल प्रशासन अस्पताल को लेकर के भी सवाल उठाए हैं कि अचानक से उनकी तबीयत खराब होती है, उसके बाद वो फिट हो जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि आप तो फिट हैं, और उनको एक बैरक में भेज दिया जाता है, यानी कि जेल में भेज दिया जाता है। तो ये तमाम बातें हैं जो निकल करके सामने आ रही हैं। उमर अंसारी ये भी कह रहे हैं कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि फैसला जो आएगा वो मंजूर करेंगे।
तो ये तमाम तरीके की बातें अब सामने निकल करके आ रहे हैं, कई लोगों के ट्वीट भी सामने आए हैं, कई लोगों के पोस्ट सामने निकल करके आए हैं, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया लोग दे रहे हैं और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। क्या मुख्तार अंसारी के साथ साजिश की गई है? आखिर ये सब सवाल उठ रहे हैं, जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया था और उनके भाई और उनके बेटे के द्वारा भी यह आरोप लगाए गए थे। आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए इन खबर के साथ।